अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अपनी ताकत व सेहत को बढ़ाने और हमेशा बाकी रखने के लिए हर रोज सुबह नाश्ते में खुद भी इस्तेमाल करें और अपने घर वालों को भी इस्तेमाल कराएं। इसी तरह आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिजनेस करके हर महीने 15,000 से 25,000 रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। मजीद जानकारी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए इंटरनेशनल टॉप 5 न्यूज़, दुनिया की 5 बड़ी ख़ास अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सकें। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम कर रही है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, बाकी रहें, आगे बढ़ें, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली तआवुन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया जाता है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हो, तो गूगल पे, फोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है, 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है, उस एतबार से आप हर दिन या हफ्ते में या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप मदद कर सकते हैं, चैनल की मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए। आइए दिन पहली बड़ी अफसोसनाक खबर फीफा वर्ल्ड कप को लेकर आ रही है। आप सोचेंगे अफसोसनाक लफ्ज क्यों इस्तेमाल हो रहा है। अफसोसनाक इसलिए कि क्या बताऊं आपको, फीफा वर्ल्ड कप की जिस तरीके से शुरुआत हुई और जिस तरीके से पूरी दुनिया में एक इस्लाम की दावत का, वो खेल का मैदान, दावत का मैदान बन गया, इस्लाम की अच्छाइयाँ, इस्लाम की खूबियाँ तमाम लोगों तक गई, सैकड़ों लोग बगोशे दामन यानी इस्लाम के दामन में दाखिल हो गए, और न जाने कितनी हसीन बातें, खूबसूरत यादें, लम्हात वहाँ से आ रहे थे। लेकिन फीफा वर्ल्ड कप अब जब आखिरी उस इख्तिताम हुआ, तो खबरें आ रही कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 की शानदार इफ्तिताही तकरीब हुई, लेकिन वो शानदार नहीं, उसे हम कहेंगे बदबूदार या गंदगी से भरी हुई वो तकरीब हुई। बताया जा रहा है कि इस मौके पर हिंदुस्तान की नूरा फतेही के अलावा बैरूनी मुल्कों के फनकारों ने अपना जलवा बिखेरा। तो अब ये जलवा क्या बिखेरेंगे, जाहिर बात है कि ये गंदे हैं तो गंदगी ही बिखेरेंगे। इस्लाम के खिलाफ ही अमल हुआ है, इस्लाम की तालीमात, कुरान की तालीमात के खिलाफ ही अमल हुआ है। इसलिए मैंने कहा कि फीफा वर्ल्ड कप को लेकर बड़ी अफसोसनाक खबर सामने आ रही है। तस्वीर में आतिशबाजी का दिलकश नज़ारा भी आपको नजर आएगा। तो फीफा वर्ल्ड कप के मौके पर बाकायदा इख्तितामी तकरीब में हिंदुस्तानी अदाकारा रक्कासा, नाचने वाली नूरा फतेही ने अपना जलवा बिखेरा, जबकि दीगर बैरून मुल्क के फनकारों ने भी अपनी गुलोकारी से 4 चांद लगा दिए। इस मौके पर मैं आपको बताऊं कि फाइनल जो कप जीता है, तो अर्जेंटीना और फ्रांस का मुकाबला हुआ और अर्जेंटीना ने शायद फाइनल कप जीता है, और उससे पहले यह सारा प्रोग्राम हुआ। और बाकायदा इस प्रोग्राम में वर्ल्ड कप ट्रॉफी की जो नकाब कुशाई हुई, इस मौके पर हिंदुस्तानी अदाकारा दीपिका पाडुकोन,
जिसको लेकर इस वक्त भगवाधारी बड़े चिड़े हुए हैं। दीपिका पादुकोण भी उस वक्त मौजूद थी, तस्वीर में स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आइए दिन दूसरी बड़ी खबर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आ रही है। जी हाँ, पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमला हुआ है जिसमें 4 पुलिस अहलकार हलाक हुए हैं। पाकिस्तान के शिमाल मगरबी सूबा खैबर पख्तूनख्वा में शनिचर और इतवार के दरमियानी शब पुलिस थाने पर दहशतगर्दों के हमले में 4 पुलिस अहलकारों की मौत हो गई और 4 दीगर जख्मी होने की खबरें हैं। पुलिस राय के मुताबिक लक्की माराबाद के इलाके में सुबह 10:30 बजे भारी हथियारों से लैस दहशतगर्दों ने थाने पर धावा बोल दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बाद हमला आवर मौके से फरार हो गए। हमले में 4 पुलिस अहलकारों की मौत जबकि 4 जख्मी। जख्मी पुलिस अहलकारों को करीबी अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। कॉन्टैक्ट कीजिए डॉक्टर जावेद से, जो कि गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, बवासीर, शुगर गारंटी से बिल्कुल ख़त्म, गैस, तेजाब, लिकोरिया, लीवर, किडनी, गुर्दे में पथरी। अगर आप देश विदेश में उनसे दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुवत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पर दर्द हो, आप हमसे दवाई हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। नाज़रीन, तीसरी बड़ी खबर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने आ रही है ईरान से। जी हाँ, टीवी चैनल ईरान इंटरनेशनल ने हफ्ते के रोज ये इत्तला दी कि शिमाली ईरान की जेल में हुक्काम की जानिब से कई कैदियों के खिलाफ सजाए मौत पर अमल दर आमद के इरादे के इत्तलात के बाद जेल में जबरदस्त मुजाहरा किया गया और कैदियों और जेल हुक्काम में झड़पें भी हुई है। टीवी ने बताया कि मंशियात की स्मगलिंग के इल्जाम में दर्जनों अफराद के सजाए मौत पर अमल दरामद की तैयारियों के बाद जेल में अफसरान और कैदियों के दरमियान झड़पें शुरू हो गई। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने गुज़िश्ता हफ्ते खबरदार किया था कि एहतजाजी तहरीक से मुंसलिक पहले फांसी पर शदीद बैन अक्वामी रद्द अमल के बाद तेहरान हुकूमत को हिला डालने वाले मुजाहरों की वजह से बहुत से ईरानियों को फांसी दिए जाने का खतरा है। कैदियों को फांसी दिए जाने के खदशे की वजह से ईरानी जेल में झड़पें हुई है। दर्जनों अफराद को फांसी की तैयारी के पेश नज़र माहौल में कशीदगी हुई। अब मुजाहरे आंदोलन इस पर भी शुरू हो चुके हैं। और ईरान से खबर ये भी आ रही है कि बड़ी मशहूर और मारूफ अदाकारा, ईरानी अदाकारा और हुकूक निस्वा की कारकुन तराना अली को भी गिरफ्तार किया गया। खबरें हैं कि मुजाहरे की हिमायत करने पर अदाकारा पर कार्रवाई हुई है। नज़र, एक बड़ी अफसोसनाक खबर फिलहाल मिस्र से आ रही। मिस्र में एक लर्जा खेज दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। एक मिस्री ने, सफाक दरिंदा मिस्री ने बीवी को सड़क पर सबके सामने ज़बाह कर डाला। नाजायज ताल्लुकात के शबा में इंतहाई खतरनाक कदम उठाया। मिस्री शहर शर्किया में एक सफाक मिस्री ने अपनी बीवी को सड़क पर सबके सामने चाकू से ज़बाह कर डाला। उसे शक था कि उसकी बीवी किसी दूसरे शख्स के साथ नाजायज मरासिम में हैं। मामला उस वक्त शुरू हुआ जब शर्किया सिक्योरिटी डायरेक्टरेट को गवर्नरेट में महकमे फौजदारी तहकीकात से एक इत्तला मिली, जिसमें कहा गया कि पुलिस स्टेशन जिला में अवामी सड़क पर एक खातून को कत्ल और एक और को शदीद जख्मी कर दिया गया है। जिस शख्स ने, जो मुलजिम है जिसने कत्ल किया है, मिस्टर एच उसे कहा जाता है और उसका उर्फी नाम चक है। उसको पकड़ लिया गया है। उसके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी बरामद कर लिया गया है। नज़र, सऊदी अरब से दो खबरें आ रही है। पहली खबर यह आ रही है कि सऊदी अरब में दानिश्वरों और फनकारों के लिए सकाफती मरकज फनाउल अव्वल का आगाज कर दिया गया है। यह मरकज मुफक्किरीन और तख्लीकारों और मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन को एक जगह इकट्ठा होने का मौका फराहम करेगा और इल्म के तबादले के प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा। सकाफतों के दरमियान तख्लीकी इजहार और मुकालमे के लिए मकाम फराहम करना भी एक आला सकाफती फजीलत की नुमाइंदगी है। और दूसरी खबर आ रही है सऊदी अरब से कि जद्दा किताब मेले का इख्तिताम हुआ। 900 से ज्यादा पब्लिशिंग हाउसेज ने शिरकत की। सकाफती प्रोग्राम भी इस मौके पर मुनक़िद किया गया था। यह मेला बहुत कामयाब रहा। मकामी और बैनुल अक्वामी मुकर्रीन के साथ मियारी कॉन्फ्रेंसेस समेत 100 से ज्यादा सकाफती सरगर्मियों का इनेकाद सऊदी अरब में लिटरेचर पब्लिशिंग एंड ट्रांसलेशन अथॉरिटी के जरिए
इंतजाम जद्दा किताब मेला 2022 अख्तिताम पजीर हुआ। इस तकरीब में 900 से जायद मकामी अरब और बैनुल अक्वामी इशाती इदारों और 400 के करीब इल्मी पवेलियंस ने शिरकत की। मेले के सकाफती प्रोग्राम ने 100 से ज्यादा अदबी सकाफती सरगर्मियां पेश की। नुमाइश के साथ हम आहंग होने के लिए 2 खसूसी कॉन्फ्रेंसें भी मुनक्किद की गई। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहें कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।